Big hello to all my dear friends out there and welcome back to my English class. Today, as you know, we are doing the concluding part of the chapter Krishna and Sudama. Krishna और सुदामा इस chapter को हमने पढ़ लिया था अपने पिछले sessions में और कुछ exercises भी कर ली थी. आज हम इसका concluding part पढ़ेंगे. कुछ glossary के शब्द और भी कुछ exercises हैं, grammar part है, उसको देखते हैं. So चलिए, let's not waste the time and do the exercise part. So today we will start with the glossary and notes. In this segment, we read some new words and their meanings in Hindi and English. तो देखिए, जो सबसे पहला शब्द है हमारा वो है पैलेस. पैलेस जो है एक नाउन वर्ड है, नाउन है. इसका मीनिंग क्या है? इंग्लिश में है ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ अ किंग और क्वीन, यानी कि एक राजा या रानी का एक ऑफिशियल रेजिडेंस जहां वो रहते हैं, राजमहल हम हिंदी में बोलते हैं, राजमहल. नेक्स्ट वर्ड इज पास्ट राइज. अब ये दो शब्दों से मिलके बना है, पास्ट और राइज. नाउन फ्रेज है, ठीक है, नाउन का एक फ्रेज है. इसका मीनिंग क्या है? ड्राइड रोस्टेड राइस, यानी कि भुना हुआ चावल. थर्ड है हमारा जो वर्ड, वो है प्रेजेंट. ये एक नाउन है, इसका मतलब हुआ गिफ्ट या उपहार. अमेज्ड वर्ब है, ग्रेटली सरप्राइज्ड यानी चकित हुआ. हिंदी में जो बोलते हैं शब्द हम चकित. देन द वर्ड इज हट. हट जो है वो अगला शब्द है जो कि एक नाउन है. एक आपको जैसे पता है नाउन क्या होता है, कि जो भी नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये सब नाउन्स होते हैं. तो हट एक नाउन है क्योंकि एक रहने की जगह है. अ स्मॉल सिंपल कॉटेज या फिर कुटिया, झोपड़ी हम हिंदी में बोलते हैं. केयर्ड, केयर्ड भी एक वर्ब है. लुक्ड आफ्टर, ध्यान रखते थे. फिर है अराइवल. अराइवल इज अ नाउन. रीचिंग, आगमन यानी कि किसी का आना, उसको हम अराइवल बोलते हैं. अलॉट, अलॉट जो है एडवर्ब है, इसका मतलब है वेरी मच, बहुत ज्यादा. इन फ्रंट ऑफ, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और इसका मतलब क्या है? बिफोर या सामने. हिंदी में बोलते हैं ना कि हमारे सामने कोई रहता है, तो इन फ्रंट ऑफ आर हाउस. इसी तरह से अब रियलाइज्ड, ये एक वर्ब है. रियलाइज्ड का मीनिंग क्या होगा? फेल्ट या महसूस किया. फिर है बेयर. बेयर का मतलब, ये एक वर्ब का शब्द है. पुट अप विथ, बर्दाश्त किया, ठीक है ना, हम जब कोई चीज बर्दाश्त करते हैं उसको बोलते हैं कि बेयर. पिटिएबल एडजेक्टिव, मिजरेबल दयनीय. नेक्स्ट वर्ड इज मूव्ड. मूव्ड एक वर्ब है, इसका मतलब है कंपेल्ड, विवश किया, किसी को करने को कोई चीज बाध्य करना, विवश करना, ठीक है ना. फिर है रॉयल गार्ड्स, नाउन फ्रेज है रॉयल गार्ड्स का मतलब. और जो है गार्ड्स एट द पैलेस, यानी कि शाही रक्षक, महल के सामने जो गार्ड, जो रक्षक खड़े रहते हैं उनको बोलते हैं रॉयल गार्ड्स. नेक्स्ट वर्ड इज एज सून एज. दिस इज अ कंजंक्शन. जस्ट वेन या जो ही, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ही कृष्ण ने सुना, एज सून एज कृष्ण हर्ड, ठीक है ना. हग्ड एक वर्ब है, इसका मतलब है एम्ब्रेस्ड, गले लगाया. अशेम्ड ऑफ एक प्रपोजिशनल फ्रेज है और इसका मतलब है फेल्ट शेम या फिर शर्मिंदा हुआ. ग्रैब्ड वर्ब है, टुक फोर्सिबली, झपट लिया. अनटाइड अगेन वर्ब, ओपेंड खोला. प्रिवेंटेड इज अ वर्ब. देखिए, आप एक चीज देख रहे होंगे कि जहां भी ईडी ईडी लिखा हुआ है वो सारे वर्ब है ना. तो इसको आप ध्यान रखिए कि जहां भी ईडी वाला वर्ड है वो एक वर्ब होगा, है ना. फिर है प्रिवेंटेड, ये वर्ब है स्टॉप्ड या रोका. और एस्टोनिश्ड जो लास्ट वर्ड है वो भी एक वर्ब है, इसका मतलब है अमेज्ड या चकित हुआ. तो ये तो थे हमारे कुछ नए शब्द. अब देखिए, थिंक एंड राइट में एक एक्सरसाइज है, इसको देखते हैं. टिक आउट द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, फोर ऑप्शंस हैं जो हमें करेक्ट ऑप्शन है उस पे क्या करना है, टिक करना है. तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, मैंने इसको कलर्ड किया हुआ है. द स्टोरी ऑफ कृष्ण एंड सुदामा हैज बीन टेकन फ्रॉम, यानी कि कृष्ण और सुदामा की कहानी ली गई है, कहाँ से ली गई है? द रामायण, द महाभारत, द वेद, द वेदास, द कुरान. तो रामायण, महाभारत, वेद, कुरान किसमें से ली गई है? महाभारत में से ली गई है. नेक्स्ट है कृष्ण एंड सुदामा वर. कृष्ण और सुदामा क्या थे? एनिमीज यानी शत्रु थे, फ्रेंड्स दोस्त थे, रिलेटिव्स यानी कि कोई सगे संबंधी थे, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं.
तो कृष्ण और सुदामा फ्रेंड्स थे, कृष्ण सुदामा और फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज व्हाट डिड सुदामा'स वाइफ सेंड टू कृष्ण एज अ गिफ्ट। सुदामा की वाइफ ने, उनकी बीवी ने कृष्ण के लिए क्या भेजा एज अ गिफ्ट उपहार के तौर पे? फ्राइड राइस, पार्च्ड राइस, बीटन राइस या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें सिंपल है पार्च्ड राइस। नेक्स्ट इज सुदामा डिड नॉट वॉन्ट टू प्रेजेंट द पार्च्ड राइस टू कृष्ण बिकॉज ऑफ सुदामा। कृष्ण को ये जो पार्च्ड राइस का गिफ्ट था वो नहीं देना चाहते थे। क्योंकि क्यों नहीं देना चाहते थे? शायनेस, वो शर्मा रहे थे, हेजिटेशन, उनको संकोच हो रहा था। बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों, उनको संकोच भी था, शर्म थी, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो वो उन्होंने इसलिए नहीं देना चाहते थे वो, क्योंकि उनको हेजिटेशन था, संकोच था बहुत ज्यादा। तो ये तो हो गए हमारे जो करेक्ट ऑप्शन थे। अब देखिए आगे हम और देखते हैं इसी इसमें कि हमें ग्रामर पोर्शन आज हम देखते हैं कि उसमें क्या करना है। देखिए एक ये भी हमने अपने पिछले सेशन में किया था, लुक एट द वर्ड फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप ये जो शब्द है, कैन यू मेक मोर वर्ड्स एंडिंग विद शिप। तो इसी के जैसे और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है स्कॉलर प्लस शिप स्कॉलरशिप, तो ऐसे ही और कई सारे शब्द होते हैं। अब देखिए ग्रामर पोर्शन पे आते हैं। यूज ऑफ हैड टू, हैड टू का यूज हमें किस तरह से करना चाहिए। लुक एट द सेंटेंस गिवन बिलो। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैड टू गो टू बेड विदाउट मील वेरी ऑफन। यानी कि उनके बीवी और बच्चों को जो है सोना पड़ता था अक्सर विदाउट मील, यानी कि बिना खाने के सोना पड़ता था। इन द सेंटेंस गिवन अबव हैड टू शोज कंपल्शन कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। यानी कि इस जो सेंटेंस है इसमें हैड टू का यूज किया गया दिखाने के लिए कोई चीज का कंपल्शन होना, जबरदस्ती होना। नोट दैट हैड टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म। इसमें एक चीज देखनी है आपको कि इसके साथ वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में होता है। नाउ लुक एट अनदर सेंटेंस। अब इसी तरह का एक सेंटेंस और देखिए। शी हैड टू कुक हर ओन फूड। तो इसमें देखिए आप कुक भी फर्स्ट फॉर्म में इन दिस सेंटेंस। शी इज लेफ्ट विथ नो ऑप्शन बट टू कुक फॉर हरसेल्फ। यानी कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, तरीका ही नहीं था कि वो और कुछ कर सके। तो इसलिए शी हैड टू कुक हर ओन फूड, उसको अपना खाना खुद बनाना पड़ा। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तरीका नहीं था। अब इसी तरह से हमें जो हमने अपने पिछले सेशन में किया था कंपेल्ड टू को हैड टू से चेंज किया था। देखिए एक इसमें सेंटेंस दिया हुआ है, आई वॉज कंपेल्ड टू गो, आई हैड टू गो। इस तरह से ये है और हमने इसके जो है सेंटेंसेस भी किए थे। लेट्स टॉक, इसमें देखिए द फॉलोइंग, डिस्कस द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इन ग्रुप। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये डिस्कस कर सकते हैं। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। यानी कि जरूरत के समय जो दोस्त है वो ही आपका सच्चा दोस्त है। इस बारे में आप अपने विचार रखिए, अपने फ्रेंड्स के भी विचार सुनिए। और फिर कंपोजिशन में हम इसी टॉपिक को लेके एक पैराग्राफ आज लिखने वाले हैं, आज देखने वाले किस तरह से लिखना है। और ये एक्सरसाइज हमने पिछले सेशन में अपने की थी, जिसमें कि सेंटेंसेस दिए हुए हैं ऊपर नीचे और हमने इसको सही से ठीक से किया था। फर्स्ट सेंटेंस हमारा सुदामा वाज़ अ पूर ब्राह्मण एंड सो ऑन। आप फिर से अपनी पिछली सेशंस को देख सकते हैं कि इसको हमने किस तरह से किया। और फिर हमारा ट्रांसलेशन पार्ट है एंड देन एक्टिविटी है जो कि आप ग्रुप में कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। रीड सम मोर स्टोरीज अबाउट फ्रेंडशिप, दोस्ती के बारे में आप और स्टोरीज पढ़िए और फिर अपने ग्रुप में सुना सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को सुना सकते हैं। तो आइए अब जो इसका कुछ रिटन पार्ट है वो हम देखते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद द कंपोजिशन सेक्शन। Write in about 100 words a paragraph on a friend in need is a friend indeed. तो जैसा कि अभी कहा था हमने, या इस पे एक पैराग्राफ लिखते हैं कि जो जरूरत के समय काम आए वही दोस्त, वही सच्चा दोस्त होता है। In our life we meet many friends. हमारी जिंदगी में हम कई दोस्तों से मिलते हैं। We talk with them, play with them and share our feelings with them. हम उनसे बात करते हैं, उनके साथ खेलते हैं और उनके साथ अपने आइडियाज भी शेयर करते हैं, फीलिंग्स शेयर करते हैं। We all need friends, but to get a real friend is a gift of God. हम सबको दोस्त की जरूरत होती है, लेकिन एक सच्चा दोस्त जो है मिलना, ये सही में एक भगवान का एक देन होती है, भगवान की एक गिफ्ट होती है। A real friend is ready to help in times of need. एक सच्चा दोस्त हमेशा तैयार रहता है आपको जब जरूरत हो तो मदद करने के लिए।
When any trouble or misery comes to our way, many of our so-called friends run away. जब हम पे कई बार मुसीबत आती है, हम मुसीबत में होते हैं या फिर हम दुख में होते हैं, तो फिर कई हमारे so-called जो friends हैं, दोस्त होते हैं, वो भाग जाते हैं हमारे पास से. भाग जाते हैं का मतलब कि हमसे दूरी बना लेते हैं. They don't stay with us to give their helping hand. और वो हमारे साथ नहीं रहते अपना helping hand देने के लिए, अपनी मदद करने के लिए. Only it's the true friends who always stand by in times of need and never runs away at crucial times. तो जो सच्चा दोस्त होता है, सिर्फ वही होता है जो हमारे दुख के समय में या फिर जब हम परेशानी में हैं, ऐसे समय में हमारा साथ देता है और कभी हमको छोड़ के भागता नहीं है. So it's well said that a friend in need is a friend indeed. इसलिए ये बिल्कुल सही कहा गया है कि जो जरूरत के समय काम आए, वो ही सच में हमारा एक सच्चा दोस्त होता है. तो ये आप इस तरह से पैराग्राफ लिख सकते हैं. आप देखिए ट्रांसलेशन, इसमें कुछ जो है सेंटेंसेस इंग्लिश में दिए हुए हैं, उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे. द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्ण एंड सुदामा इज वेरी पॉपुलर. तो इसका क्या होगा, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की कहानी बहुत लोकप्रिय है. पॉपुलर का मतलब क्या होता है, लोकप्रिय. कृष्ण वॉज अ रिच मैन वाइल सुदामा वॉज अ पुअर ब्राह्मण. यानी कि कृष्ण एक अमीर आदमी थे जबकि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण. देखिए, कृष्ण एक अमीर आदमी थे जबकि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे. बोथ वर गुड फ्रेंड्स, दोनों अच्छे दोस्त थे. बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों. तो दोनों अच्छे दोस्त थे. अब यहाँ पे ये आपको समझना जरूरी कि वॉज वर हम पास्ट टेंस में लगाते हैं, जो चीज हो चुकी है, यहाँ पे हम थे लगा रहे हैं. दे वर ऑलवेज सीन टूगेदर, उन्हें हमेशा साथ देखा जाता था. टूगेदर यानी कि साथ. आफ्टर सम इयर्स कृष्ण बिकेम द किंग ऑफ द्वारका. तो कुछ वर्षों के बाद कृष्ण द्वारिका के राजा बने. बट सुदामा रिमेन्ड एज पुअर एज एवर. लेकिन बट का मतलब क्या, तो लेकिन सुदामा हमेशा की तरह गरीब बने रहे. हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैड ऑफन टू गो विदाउट फूड. यानी उनकी पत्नी और बच्चों को अक्सर बिना भोजन के रहना पड़ता था. तो ये जो आपने अभी देखा, ये सारे अच्छे से इसको जो है लिख लीजिए अपने पास और तैयार कर लीजिए. आज हमने ये चैप्टर बच्चों पूरा पढ़ लिया है, समझ लिया है और एक्सरसाइजेस भी हमने अच्छी तरह से कर ली है. आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से सब समझ में आ गया होगा. और अगर नहीं आया तो यू कैन गो थ्रू द वीडियो अगेन एंड अगेन, आप बार बार देख सकते हो. और अगर फिर भी कोई परेशानी होती है तो आप हमारे ऐप के जरिए कॉन्टेक्ट कर सकते हो और अपनी क्वेरीज को जो है सॉल्व कर सकते हैं. सो आज के लिए इतना ही. वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन, बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू.